पांच राज्यों की करारी हार के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में लगा है। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के पोते और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी जमीनी हकीकत से दूर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरी स्थिति, जो राष्ट्रीय हितों को दर्शाती है, कांग्रेस पार्टी के साथ मेल नहीं खाती। पार्टी की स्थिति और सोच जमीनी हकीकत से जुदा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2018 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कई मुद्दों या घटनाओं के समर्थन में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के रुख से मेल नहीं खाते। इन मुद्दों में पीओके में बालाकोट हवाई हमले, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा समितियों वीडीसी का पुनः सशक्तिकरण, अनुच्छेद 370 और 35 को हटाना, लद्दाख यूटी का गठन, गुपकर गठबंधन की निंदा और जम्मू कश्मीर में परसीमन मसौदे के लिए समर्थन शामिल है। गौरतलब है कि साल 2017 में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के विधान परिषद के सदस्य विक्रमादित्य सिंह ने पीडीपी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विक्रमादित्य के पीडीपी से इस्तीफे से जम्मू संभाग में पीडीपी को तगड़ा झटका लगा था। पीडीपी उस दौरान जम्मू संभाग में अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई थी। विक्रमादित्य सिंह जम्मू संभाग को लेकर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते आए हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को महसूस करने और समझने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी हकीकत से बेखबर है और न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरते परिदृश्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक संगठनात्मक और अन्य परिवर्तन करने में असमर्थ है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।